दुबई से कांग्रेस अध्यक्ष की ललकार, यूपी में अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। यूपी की राजधानी लखनऊ में एसपी बीएसपी ने गठजोड़ का ऐलान किया तो इसकी तपिश लखनऊ से हजारों किलोमीटर दूर दुबई में महसूस की गई। कांग्रेस को इससे कितना बड़ा झटका लगा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुबई में प्रवासी भारतीय के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एसपी बीएसपी गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को गठबंधन पर फैसले का अधिकार है। राहुल गांधी ने ललकारते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव में उतरेगी और यूपी में अकेले दम पर सियासी लड़ाई लड़ेगी। The BSP and the SP have every right to have an alliance. I think the Congress party has a tremendous amount to offer the people of Uttar Pradesh. So we will obviously do our best as the Congress party. We will fight for our ideology. राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बदले हालात के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब यूपी में कांग्रेस को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर है। I think we might give a surprise or two to people about what the Congress party is capable of doing and how the Congress party can mobilize in Uttar Pradesh. हालांकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एसपी बीएसपी नेताओं पर कड़ी टिप्पणी से परहेज किया। Of course, I have tremendous respect for Mayawati ji, for Mulayam Singh Yadav ji, for Akhilesh ji, and they are open to do what they choose. वहीं बीजेपी राहुल के अकेले चुनाव मैदान में उतरने के बयान पर चुटकी भी ले रही है। राहुल गांधी फुल सीट पर लगे, आधे पर लड़े या दो पर लड़े, ये उनका निर्णय है। मगर जिसके बलबूते पे उत्तर प्रदेश में वो महागठबंधन की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, उन्होंने राहुल गांधी उनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है वो उन्होंने बता दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से यूपी में महागठबंधन की अटकलें तेज थी। एसपी बीएसपी ने आरएलडी को साथ लेकर गठजोड़ का ऐलान कर दिया, लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस को बाहर रखा गया। सियासी पंडितों के मुताबिक बदले हालात में कांग्रेस के सामने अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।